अमेरिका से पैसे नहीं तिजारत चाहते हैं। IMF को कह दिया है कि गरीब पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। मुल्क की मईशत बहाल और इक्तसादी इशारे बेहतर हो रहे हैं। टैक्स वसूलियाँ 11% से ज़ायद हैं। गैर मुल्की कर्ज में 700 अरब रुपये की कमी हुई। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत अली ने इक्तसादी सर्वे जारी कर दिया। कहा FBI ने 4,200 अरब रुपये टैक्स इकट्ठा किया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर हो गए। 8,000 अरब रुपए से ज्यादा का वफाकी बजट कल पेश होगा। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को बजट मंजूरी का टास्क सौंप दिया। चौधरी मोहम्मद सरवर आज तहरीके इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को इशाइया देंगे। तकरीब का अहतमाम गवर्नर हाउस इस्लामाबाद में होगा। बजट करीब आते ही हुकूमत इत्तेहादियों ने सौदेबाजी शुरू कर दी। काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाद जमहूरी वतन पार्टी भी तरक्याती काम न होने पर हुकूमत से नाराज। पार्टी के सरबरा शाहज़ैन बुख्ती का बजट इजलास में शिरकत न करने पर गौर। कल ऐवान में क्या करना है? अपोजिशन अब तक मुश्तरक हिकमत अमली ना बना सकी। हुकूमत भारतीय जासूस के लिए खसूसी कानून मंजूर कराना चाहती है। कुलभूषण के लिए कानून साजी की तो हमारी नस्लें माफ नहीं करेगी। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। फारूक नसीम ने कहा नून लीग का वही रवैया है जो भारत चाहता है। ये कानून ना लाया तो आलमी अदालत में तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। ऐवान में अपोजिशन के कुलभूषण को फांसी दो किनारे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक हर कोई देना चाहता है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का अपना इंतखाबी हलका होना चाहिए। चाहते हैं ओवरसीज दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानी से मुकाबला करके मेंबर असेंबली मुंतखब हों। बिलावल भुट्टो की कौमी असेंबली में तजवीज़। शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हकूक के कातिल करार दे दिया। कहा हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक दे रहे हैं या उनका हक छीन रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान ने अवामी और मुंतखब नुमाइंदों को थप्पड़ मारा। कौमी असम्बली में अब्दुल कादिर मंदोखेल की दुहाई। कहा जो जबान फिरदौस आशिक अवान ने इस्तेमाल की ये इमरान खान की तरबियत है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि किसी फर्द का जाती फेल क़यादत से नहीं जोड़ा जा सकता। वाकये पर पूरे अवान को अफसोस है। कादिर मंदोखेल ने मरहूम वालिद के लिए नासेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। अपने दिफा में कार्रवाई की। फिरदौस आशिक अवान की वजाहत। मुल्क में बिजली बहरान शदीद। शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट से तजावज कर गया। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया कई घंटों तक पहुंच गया। कराची इस्लामाबाद और पिशावर में भी बिजली की तवील बंदिश मामूल बन गई। ज़राए के मुताबिक तरबेला से बिजली की पैदावार आने में वक्त लगेगा। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात 5 और 12वीं जमात के 26 जुलाई को होंगे। वज़ीर तालीम सिंध ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कहा इम्तहानी पर्चे इख्तियारी मजामीन के साथ फीसद हिस्से से होंगे। पर्चे का दौरानिया 2 घंटे होगा। प्रैक्टिकल के इम्तहानात नहीं होंगे। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले हो जाएं होशियार। विफाकी हुकूमत का सख्त इकदाम पर गौर। वैक्सीनेशन ना कराने पर मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक और दफातर रेस्टोरेंट में दाखिला बंद हो सकता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। सिफारतकारों और अहले खाना के लिए सफर से 72 घंटे कब्ल कोरोना टेस्ट लाजमी करार। बैरून मुल्क से आने वाले सिफारती अमले को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।